हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रोमांटिक केमिस्ट्री एनके तुलसी क्लास में। मैं एनके तुलसी, आज क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स को समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन, उसे हिंदी में सांद्रण या सांद्रता भी कहा जाता है। कंसंट्रेशन कहते हैं कि किसी सॉल्यूशन के इकाई आयतन में जितना सॉल्यूट का वेट प्रेजेंट रहता है वह उसका कंसंट्रेशन कहलाता है। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक लीटर घोल में जितना सॉल्यूट का मास प्रेजेंट होगा वह उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा। तो इसे हम ऐसे लिखें, कंसंट्रेशन बराबर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये ग्राम में होगा। ये है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? कंसंट्रेशन का ग्राम पर लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स या ग्राम डेसीमीटर क्यूब। अब हम देखेंगे कि परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या है। प्रतिशत सांद्रण, प्रतिशत पर 100। किसी सॉल्यूशन के 100 भाग में जितना सॉल्यूट का भाग प्रेजेंट रहेगा वह उसका कंसंट्रेशन परसेंटेज कंसंट्रेशन कहलाएगा। किसी सॉल्यूशन के 100 भाग में जितना सॉल्यूट का भाग प्रेजेंट रहेगा वह उसका परसेंटेज कंसंट्रेशन कहलाएगा, प्रतिशत सांद्रण कहलाएगा। ये कितने प्रकार का होता है? इसका टाइप्स थ्री होता है। एक होता है आपका मास परसेंटेज, एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज और एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आइए सबसे पहले हम मास परसेंटेज को कवर करते हैं। मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत, इसे हम परसेंटेज वेट बाय वेट या वेट बाय वेट परसेंटेज दोनों में से किसी को लेकर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास परसेंटेज क्या है? किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में जितना सॉल्यूट का मास प्रेजेंट रहेगा वह उसका मास परसेंटेज कहलाएगा। कहने मतलब है कि किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम भाग में जितना सॉल्यूट का वेट प्रेजेंट रहता है वह उसका मास परसेंटेज कहलाता है। मास परसेंटेज क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई 100। या इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मास। किसी सॉल्यूशन के 100 भाग में जितना किसी खास कंपोनेंट की भागों की संख्या प्रेजेंट रहेगा वह उसका मास परसेंटेज कहलाएगा। यहाँ हमने किसी खास कंपोनेंट का वर्ड का यूज किया है, मतलब ये खास कंपोनेंट सॉल्यूट भी हो सकता है या सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हमने पढ़ा है कि बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब दो कंपोनेंट के मिलने से जो सॉल्यूशन का निर्माण होता है उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो आइए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन या टोटल मास ऑफ कंपोनेंट इन
ग्राम मल्टीप्लाई 100। माना कि कंपोनेंट ए एवं बी एक बाइनरी सॉल्यूशन है। क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो कहेंगे कि कंपोनेंट ए का मास परसेंटेज और कंपोनेंट बी का मास परसेंटेज क्या होगा। अगर यदि अगर हम ए को हम सॉल्यूट मान लें और बी को हम क्या मान लें, सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का मास परसेंटेज और सॉल्वेंट का मास परसेंटेज क्या होगा, कैसे लिखेंगे? मास परसेंटेज मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर क्या होगा, मास ऑफ, या इसको ऐसे लिखिए, डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 100। उसी तरह किसका, ए का वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी, तो क्या होगा, डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 100। तो कंपोनेंट ए का मास परसेंटेज ये होगा, कंपोनेंट बी का मास परसेंटेज ये होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं कि 10% वेट बाय वेट मतलब 10% वेट बाय वेट NaCl का जलीय घोल है। तो यहाँ 10% NaCl का जलीय घोल का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ यहाँ ये होगा कि 10 भाग जो है वह 100 भाग में प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 90 भाग होगा। मतलब यहाँ 10 ग्राम जो होगा वह सॉल्यूट होगा और 90 ग्राम जो होगा सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट क्या है, यहाँ NaCl है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। मतलब 10 + 90 = 100 ग्राम क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्या मास परसेंटेज टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? नहीं, डोंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या इसका यूनिट होता है? नहीं, यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यह रेशियो में है और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो हमने देखा मास परसेंटेज क्या होता है, अब हम देखेंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या है। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज आयतन प्रतिशत, इसे हम वॉल्यूम परसेंटेज को हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत द्वारा भी इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, किसी सॉल्यूशन के 100 ml किसी सॉल्यूशन के 100 ml में जितना सॉल्यूट के ml प्रेजेंट रहेगा वह उसका वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। या इसे आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन के 100 ml भाग में जितना सॉल्यूट का भाग ml में उपस्थित रहता है वह उसका वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये भी होगा आपका ml में मल्टीप्लाई 100। या इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, किसी सॉल्यूशन के 100 भाग में जितना किसी खास घटक किसी खास कंपोनेंट के भागों की संख्या प्रेजेंट रहता है किसमें, वो भी वॉल्यूम में होना चाहिए, तो उसे हम वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इन ml मल्टीप्लाई 100। यहाँ कंपोनेंट जो है वह सॉल्यूट भी हो सकता है या सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो हम बाइनरी सॉल्यूशन में क्या हमने देखा कि बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। कहने मतलब है कि दो कंपोनेंट मिलने से जो सॉल्यूशन का निर्माण होता है वह बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। तो माना कि
कंपोनेंट ए एवं बी एक क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है। तो हम कहेंगे कंपोनेंट ए का वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, कैसे लिखिए, वी ए बाय वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई 100, या कंपोनेंट बी का वेट परसेंट मास वॉल्यूम परसेंट ज्ञात करेंगे तो कैसे होगा, वी बी बाय वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई 100। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहते हैं कि 10% एस सी एल, 10% वी बाय वी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एस सी एल का जलीय घोल है, मतलब सॉल्यूशन है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 10 भाग जो है वो सॉलिड होगा और 90 भाग क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मतलब 100 भाग 100 ml में 10 ml क्या है, एस सी एल प्रेजेंट है। तो यहाँ 10 ml जो होगा वह सॉलिड होगा और 90 ml जो होगा वह सॉल्वेंट होगा। यहाँ सॉल्यूट क्या है, एस सी एल है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर होगा। तो 10 और 90 जोड़ देंगे कितना हो गया, 100 ml नहीं हो गया, 100 ml क्या सॉल्यूशन होगा। तो क्या वॉल्यूम परसेंटेज टेम्परेचर डिपेंड करेगा, यस करेगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या इसका यूनिट होता है, नो, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह रेशियो में है और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है। अब हम देखेंगे कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आप इसे प्रतिशत वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि किसी सॉल्यूशन के 100 ml भाग में जितना सॉल्यूट का भार प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई कितना, 100। तो ये आपका है मास वॉल्यूम परसेंटेज। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहते हैं कि 10% मास बाय मतलब वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज, ग्लूकोज का जलीय सॉल्यूशन है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका ये मीनिंग है कि 100 ml भाग वॉल्यूम में कितना भाग, तो 10 ml जो भाग है वह क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब ग्लूकोज क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, तो हमने देखा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, इसका उपयोग किस में किया जाता है, इसका उपयोग हमारे मेडिसिन लाइन में बहुत ही प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि दवाई का जो कंपोजिशन रहता है लिखा हुआ, वह मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में ही लिखा रहता है। तो इसका मेडिसिन लाइन में बहुत बड़ा योगदान है। तो अब हम देखेंगे कि PPM क्या है, पार्ट्स पर, अब जानेंगे कि पार्ट्स पर मिलियन क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, भाग प्रति मिलियन, PPM। PPM क्या है, 1 million कितने के बराबर, 10 to the power 6 के बराबर, मतलब 10 to the power 6, एक पर कितना शून्य, 6 शून्य, 1 million के बराबर होता है। कहते हैं कि किसी सॉल्यूशन के 10 to the power 6 भाग में जितना सॉल्यूट का भाग प्रेजेंट रहता है वह उसका पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी सॉल्यूशन के 1 million भाग में
जितना सोल्यूट का भाग उपस्थित होगा वह उसका पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10^6, 10^6 मतलब 1,000,000। ये हो गया आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को वेट वेट बाय वेट मतलब मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इस तीनों रूप में भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, इसे तीनों रूप में हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम ppm को अगर हम मास परसेंटेज में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई कितना, 10^6। अगर हम ppm को वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में हम लिखें तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये भी क्या होगा, ml होगा, मल्टीप्लाई 10^6। अगर ppm को हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में हम रिप्रेजेंट करें तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 10^6। क्या ppm टेम्परेचर डिपेंड करेगा, यस करेगा, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ppm हर हमेशा जब हम उसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में डिटरमाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तब ये टेम्परेचर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में होगा तब ये टेम्परेचर डिपेंड करेगा, लेकिन जब ये मास परसेंटेज के रूप में ppm को हम रिप्रेजेंट करेंगे तब ये टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए ppm को हम माइक्रोग्राम पर ml या मिलीग्राम पर लीटर या मिलीग्राम पर kg के रूप में भी क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये सिद्ध देखा, इसका यूज क्या है, इसका यूज है कि बहुत बड़े अमाउंट में मतलब किसी सॉल्यूशन के बड़े अमाउंट में छोटी सी अमाउंट को ज्ञात करने में ppm का यूज किया जाता है। जैसे हमारे वायुमंडल में बहुत सारे विषैले गैस अगर प्रेजेंट होंगे, हमारे वायुमंडल में इन्वायरमेंट में अगर विषैले गैस के पार्टिकल हैं तो उसको पता करने में हम ppm का यूज करते हैं। या मान लीजिए हम जल में बहुत सारा छोटे छोटे पार्टिकल हैं उसको हम ज्ञात करने की कोशिश करें तो हम उसके ppm के रूप में हम उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि वायुमंडल में 10 ppm SO2 गैस प्रेजेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में अगर 10 ppm SO2 गैस प्रेजेंट होगा तो इसका अर्थ क्या है कि 10^6 भाग ml में 10 ml SO2 गैस का होना, मतलब आप लिख सकते हैं कि अगर 15 ppm हमारे वायुमंडल में 15 ppm SO2 गैस का सॉल्यूशन है तो इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग है कि वायुमंडल में 10^6 ml भाग में 15 जो ml है वो क्या है, SO2 गैस उपस्थित होना। ठीक है, तो हमने देखा ये ppm है। अब देखेंगे कि पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है। पार्ट्स पर बिलियन
ppb। एक मिलियन में कितना सुन, 6, तो एक बिलियन कितना होगा, 9, मतलब 10 के पावर 6 हो तो 1 मिलियन के बराबर, और 10 के पावर 9 हो तो 1 बिलियन के बराबर। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सेम वही जैसे हम ppm को डिफाइन किए, यहाँ सिर्फ 10 के पावर 6 के स्थान में 10 के पावर 9 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं किसी सॉल्यूशन के 10 के पावर 9 भाग में जितना सॉल्यूट का भाग प्रेजेंट रहेगा वह उसका पार्ट्स पर बिलियन कहलाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन के 1 बिलियन भाग में जितना सॉल्यूट का भाग प्रेजेंट रहता है वह उसका पार्ट्स पर बिलियन कहलाता है। तो उसे क्या लिखेंगे, पार्ट्स पर बिलियन बराबर नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10^9। ये हो गया आपका पार्ट्स पर बिलियन। तो आज हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन क्या है, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ppm, ppb। अगले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।